माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहे, साथ में हम भी। और आपको पता है जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, सीज़न चल रहा है और बारिश भी हो रही है और आंधी भी आ रही है और साथ साथ में हवा भी बहुत ठंडी ठंडी और बहुत तेज़ तेज़ चल रही है। तो बस मैं जा रही हूँ सिंधी होटल और वहाँ जाके मुझे कुछ सौदा लेना है। तो और अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद मैंने बनाया है मैगी, बना रही हूँ। तो फिर बस मैं और ये और हमारे नीचे शॉप गए थे सुबह के टाइम पे, कुछ सामान चाहिए था, तो मतलब जैसे कि अंडा और दूध, मतलब नाश्ते का सामान चाहिए था। तो बस हम लेने गए थे नीचे, तो हमने मैगी लिया क्योंकि हम दोनों को दिल कर रहा था खाने का। तो बस हमने मैगी बना रही हूँ और मैगी काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया होगा बहुत टाइम, तो काफ़ी टाइम बाद अब हम मैगी खा रहे हैं। और ये देखिए अब मैं मसाला डाल रही हूँ, मैगी मसाला। और मैगी मुझे वैसे बहुत पसंद है लेकिन ये है कि ना हम कभी कभी खाती हैं क्योंकि सेहत के लिए सही नहीं है ये। तो बस आज मैं मैगी खा रही हूँ लेकिन बना रही हूँ पहले, फिर इसके बाद खाऊँगी। हाँ, और वैसे पता है हमारे इधर कोई बहुत पसंद है मैगी, तो बस हमारे इधर भी खाएगी अभी। और पता है इनको जो है मैगी पसंद है लेकिन ये भी कभी कभी। और हमारी मैगी तैयार हो गई और बस अब हम मैगी इंजॉय करेंगे। हाँ, लेकिन पता है मैं थोड़ा पानी पानी वाला मैगी खाती हूँ और ये बिल्कुल खुशक मैगी खाते हैं, तो मैंने लेकिन आज पानी पानी वाला अपने पसंद का बनाया। और ये देखिए मौसम कितना हसीन हो रहा है, कितना प्यारा हो रहा है, बादल देखिए कितने खूबसूरत हो रहे हैं और बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश हुई भी बहुत तेज़ है। तो बस बारिश भी हुई है, इंजॉय भी बहुत आया, मज़ा आया, इंजॉय भी बहुत किया। और बस बारिश में हमारे साथ तो बस नीचे चले गई थी कि नहाने के लिए, तो अभी मतलब कि रात का टाइम हो गया है और ताबी ने यहाँ पे पुलाव भेजा कले दबान का, तो साइड पे चटनी डाल के भेजा है इसने लहसुन और गोल मिर्चों का, मतलब साबित मिर्चों का। और ये देखिए चटनी वाला इसने मुझे गोटियाँ भेजी है ये कर पुलाव में, जो है ये दबान का हुमायजा के साथ खेल रही है। और ये हुमायजा जो है ना बहुत प्यार करती है, रहा ना? चल गंदा बच्चा, अभी तो प्यार करती है आपसे, है ना? बस ये देखिए इन दोनों में यही चलते रहता है। वैसे आपको एक बात सच बताऊं, मैं पूरी रात नहीं सोती हूँ, बहुत मुश्किल है, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरी रात सो रही हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं पूरी रात सो रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सोती। मेरी नींद बिल्कुल ऐसी ख़राब हो गई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी हूँ मैं नींद की वजह से। तो बस बहुत ज़्यादा आपको मैं क्या बताऊँ, इरहा बहुत तंग करती है। अच्छा एक बात बताऊँ, खाली इरहा जो है ना, इरहा को सुला दूँगी तो फिर
हुमायजा उठ जाती है, फिर हुमायजा को सुलाऊं तो फिर इरा उठ जाती है। तो बस यही मेरा पूरा रात भर चलते रहता है, एक को सुलाया एक को उठाया, एक को सुलाया एक को उठाया। बस मैं पता है रात के टाइम ब्लॉग एडिट करने बैठती हूँ, मैं कहती चलो एक सो गई है और दूसरी अपने बाबा के साथ है या फिर बाहर नाना के पास या खालाओं के पास है। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं उस वक्त एडिट करने बैठती हूँ, लेकिन मैं थोड़े देर बाद ये होता है कि उसी वक्त एंड मौके पे इरहा उठ जाती है, जब मैं ना ब्लॉग बिल्कुल एडिट करने का वक्त हो रहा होता है मेरा। फिर उसके बाद इरहा जो है बहुत ज़्यादा तंग करती है भाई, बहुत ज़्यादा तंग करती है। ये देखें इरहा को, इरहा मोटू, इरहा बैठने लग गई है। माशाल्लाह बैठने तो लग गई थी माशाल्लाह 5 महीने में, लेकिन जो ये जो है लड़की ये बिल्कुल कलाबाजियाँ खाती हैं, बेड पे पूरे उलट पलट होते रहती हैं। तो ज़्यादा ही ना अपना कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा ना तंग करती है। अच्छा अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाते चलूँ, ये देखें ऊपर सामान रखा हुआ है, ये देखें ये सारे सामान जो रखे हुए हैं, ये सारे मेरे पैक हुए हुए सामान हैं। ये जो मतलब कि मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ तो दूसरा घर ले रही हूँ, तो बस इसलिए ना मैंने सारा सामान पैक करके रखा है। और ये देखिए मुझे कसम से इतना बुरा लगता है कि इस तरह से सामान ऊपर अलमारी के ऊपर रखा हुआ। हाँ चादर वगैरह डला हुआ हो तो फिर अच्छा लगता है, लेकिन जो है ना बहुत बुरा लगता है मुझे ऐसा। अच्छा तो मैं बाज़ार से जब आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर उसके बाद मैं जब बाज़ार से आई हूँ तो फिर थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करना क्या है भाई, जब लेट हो तो आपको पता ही इरा उठ जाती है, इरा रेस्ट करने बिल्कुल भी नहीं देती, मतलब कि लेट ही हुई थी मैं। फिर उसके बाद जाके रात के टाइम ताबिया पीने जाके फिर कल्ले का पुलाव बनाया। कल्ला ज़बान होता है ना उसका पुलाव, पता है मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है कल्ला ज़बान का पुलाव। लेकिन कभी कभी कोई खाता है कोई नहीं खाता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कल्ला ज़बान का पुलाव, और कल्ला ज़बान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं कल्ला ज़बान का पुलाव लाजमी ताबिया भी जब भी बनाती हैं बोलती हूँ कि मेरे लिए लाजमी भेजना, तो जब भी बनाती है वो मेरे लिए लाजमी भेजती है। और तो उसने मुझे भेजा और मैंने खाया, इन्होंने खाया, हुमायजा ने तो खा कर आई थी ताबी के घर से। तो कल्ले ज़बान का पुलाव मुझे ताबी के हाथ का बहुत पसंद है। और वैसे मैं सही बताऊँ मेरे हाथ का पराठा सबको पसंद है मेरे। अच्छा साथ साथ मैं आपको एक बात करती जा रही हूँ, ब्लॉग में पे एंड करती हूँ, ब्लॉग एंड करती हूँ। आप सब मेरा ब्लॉग देखते हैं और मैंने देखा है आप सब मेरा ब्लॉग देखते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा है कि जो सब्सक्राइब नहीं करता, तो लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन लाजमी शेयर करेगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक, फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अच्छा ये देखिए मेरा नकाब, पता है कि टेढ़ा हुआ है, क्योंकि ना मेरे यहाँ की जो नकाब की जो हैंडल होती ना वो टूट गया, तो बस उसको सिलाई लगाया हुआ, तभी नीचे भी हो जा रहा है। और फिर साइड का ये नोज़ का ऐसे यूँ आना चाहिए, तो यूँ हो जा रहा है, खैर चलता है। अच्छा ब्लॉग एंड करती हूँ और अल्लाह हाफिज़।